हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन गुरपुष्प ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ ब्रेकफास्ट में एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये है ओट्स का चीला। ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप इसको ब्रेकफास्ट में भी इंजॉय कर सकते हो और बच्चों को लंच बॉक्स में बना के भी दे सकते हो। तो ये देखिए, ये मैंने ओट्स लिए हैं और इनको मैंने 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है। इससे क्या है, ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। इसमें अभी हम ऐड करेंगे बेसन, और इसमें आप कुछ भी जो वेजेस हैं वो काट के ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल वेजेस हो। अगर ना भी वेजेस ऐड करनी हो, आप इसको प्लेन भी बनाएंगे ना तो भी ये बहुत अच्छा बनेगा, और ये वेजिटेरियन के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो लोग एग नहीं ना खाते, उनके लिए बहुत ही अच्छा है, और ये रिच इन प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, सब कुछ आपको ओट्स से मिल जाता है। आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कर सकते हो गूगल पे। तो देखिए, अभी मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा ज़ीरा और साथ में थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। आप इसमें हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हो, एज़ पर योर चॉइस है। थोड़ा सा नमक ऐड किया है और थोड़ा सा मैंने हल्का सा गरम मसाला है जो वो ऐड किया है। अब इसमें मैं शिमला मिर्च और टमाटर को ऐड कर रही हूँ काट के। प्याज मैंने आज नहीं काटा है क्योंकि मेरा आज ओनियन खाने का मन नहीं है। मैं इसे ट्राई करती रहती हूँ, कभी कभी मैं जो सब्ज़ी है ना बिना प्याज और लहसुन वाले बनाती हूँ। इससे क्या है, सब्ज़ी का फ्लेवर भी चेंज हो जाता है और खाने में भी वो अच्छी लगती है। तो आज मैंने बिना प्याज के इसको बनाया है, वरना मैं इसमें प्याज डाल के ही बनाती हूँ। तो ये देखिए, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा देर सेट होने देंगे। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा ना अजवाइन ऐड किया है। अजवाइन आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और इसमें आप ऐड करोगे तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी हमारा मिक्सचर रेडी है, तो अभी हम इससे चीला बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, तवे पे मैंने थोड़ा सा छोटा चम्मच है जो वो देसी घी का लिया है। तो आप अपनी जो भी आप आपकी चॉइस का जो ऑयल हो आप ले सकते हो। हम ज़्यादा घर में मस्टर्ड ऑयल और देसी घी ही यूज़ करते हैं। तो सब्जियां वगैरह सब मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ। तो जैसे आमलेट हो गया, चीला हो गया, या फिर रोटी या परौंठी पे लगाना हो तो हम देसी घी ही यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, अभी तवे अच्छे से हमारा गर्म था तवा, तो अभी मैंने ये चीला है जो इसको स्प्रेड कर दिया है। ये इजीली स्प्रेड हो जाता है, और ये थोड़ा सा ना थिक होता है ये थोड़ा सा, पर ये ऐसा नहीं कि कच्चा रह जाएगा, ये बहुत इजीली पक जाता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। तो आप इसको ऐसे ही चम्मच की हेल्प से अच्छे से फैला लें और फ्लेम को मीडियम कर दें। मीडियम फ्लेम पे इसको हल्के हल्के पकने दें। ये देखिए, जब आपको लगे कि ऊपर से आपका चीला थोड़ा ड्राई हो गया है, तो आप ऐसे इसको इजीली नाइफ़ की हेल्प से थोड़ा थोड़ा नीचे से स्क्रैच कर लें। ये देखिए, ये बहुत इजीली तवे को छोड़ रहा है। अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए, बहुत अच्छे से इसकी एक साइड पक गई है। आप इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएं, इससे क्या है, जो बेसन है वो अच्छे से पक जाता है। अगर आप फ्लेम तेज़ रखोगे तो बेसन बाहर से पक जाता है और अंदर से आपका चीला है जो वो कच्चा रह जाता है। बेसन इसमें
बहुत ही कम क्वांटिटी में ही ऐड होता है, तो आपने जितना भी बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप उसमें ऐड कर सकते हो बेसन। अगर आपको ज़्यादा बेसन वाला पसंद है तो आप ज़्यादा बेसन ऐड कर सकते हो, अगर आप कम बेसन वाला बनाओगे तो भी ये बहुत अच्छा बनेगा। तो इसको हमने अच्छे से पका लेना है और फिर उसके बाद हम इसको एक बार फिर पलट के देखेंगे कि ये अच्छे से पक गया है कि नहीं। ये देखिए, एक बार मैंने थोड़ा सा पलटा तो मुझे थोड़ा सा एक साइड से कच्चा लग रहा था, तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा प्रेस किया है। अब इसको अच्छे से वहाँ से सेक लेंगे और उसके बाद हमारा चीला बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए, ये पूरा अच्छे से सिक गया है। तो आप इसको ऐसे प्रेस कर करके अच्छे से पका लें और फिर इसको रिमूव कर लें। ये देखिए, ये कितना अच्छा बना है। आप इसको सॉस के साथ, दही के साथ या फिर कोई भी आपके पास चटनी हो आप उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हो। तो अभी मैं लगा रही हूँ वॉशिंग मशीन। मैंने एक ब्लैंकेट धोनी थी, कपड़ों का मैंने एक राउंड ऑलरेडी लगा लिया था, तो ये मैं ब्लैंकेट ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको मैंने सिंगल ही धोना था क्योंकि ये काफ़ी हैवी हो जाती है जब पानी को सोप करती है, तो इसको मैं सिंगल ही ऐड कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि इसके साथ ही मैं आपके साथ अपनी जो वॉशिंग मशीन है उसका रिव्यू भी ऐड कर देती हूँ। ये मेरी वॉशिंग मशीन वर्लपूल की है और ये फुली ऑटोमेटिक है। ये है वाइट मैजिक प्रीमियर और ये 7 kg तक वेट लेती है। मुझे 4-5 महीने हो गए हैं इसको ली हुए और ये बिल्कुल स्मूथली चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, ये वॉशिंग मशीन है। ये जिस दिन आई थी उस दिन मैंने ये वीडियो बनाई थी इसकी। तो ये देखिए, आप इसके फीचर यहाँ पे देख सकते हो, मॉडल का नेम भी लिखा है। ये 10 ईयर की वारंटी के साथ आई है। स्टैंड आपको मशीन का अलग से ही लेना पड़ता है। तो जब आप फर्स्ट टाइम लगाते हो वॉशिंग मशीन तो कंपनी की तरफ से उनका एम्प्लॉई आता है इसको सेट करने के लिए और आपको इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो उनके पास स्टैंड था तो हमने उनसे ही परचेज़ कर लिया था। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि चाय वगैरह पीने का मन नहीं करता, ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इवनिंग में ये पानी पूरी बनाई जाए। ये बॉक्स मैं ना डी मार्ट से लेके आई थी, जब हम लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि डी मार्ट गए थे तो वहाँ से मैं ये लेके आई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इनको बनाया जाए। तो ये देखिए, इसमें ये 3 पैकेट निकले हैं, एक में पूरीज हैं और ये 2 पैकेट है, एक पुदीने वाला पानी का पैकेट है और दूसरा खजूर वाली इमली की चटनी है। तो मुझे लग रहा था कि जो खजूर वाली इमली की चटनी होगी ना वो लिक्विड फॉर्म में होती है, बट वो भी पाउडर फॉर्म में थी। ये दोनों इसमें पाउडर फॉर्म में थे और ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी कि पुदीने वाली जो पानी वाली है पाउडर उसमें आप ठंडा पानी ऐड करें और खजूर वाला जो है उसमें गर्म पानी ऐड करके मिक्स कर लें। पुदीने वाला मैंने पूरा पैकेट निकाल लिया था और उसमें मैंने ठंडा पानी ऐड किया और ये खजूर वाला मैंने हाफ ही पाउडर लिया है और इसमें मैंने ये गर्म पानी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। टेस्ट में बहुत अच्छी थी ये खजूर वाली जो ये चटनी है, इसका इसमें तो पूरा सौंठ का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था, तो काफ़ी अच्छा था। और जो पानी था वो भी नॉर्मल, जैसे आप मार्केट में गोलगप्पे खाते हो वैसा उसमें पूरा प्रॉपर टेस्ट था। तो उसमें मैंने बाद में थोड़ी सी बूंदी ऐड की थी और थोड़ी सी आइस ऐड करके उसको फ्रीज़र में रख दिया था। तो ये देखिए, अभी मैं पूरी फ्राई कर रही हूँ। तो ये मैंने पहले एक पूरी डाली थी कि देखूँ कि तेल की जो आँच है वो पूरी ठीक भी है, अच्छे से फूल भी रही हैं। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छे से फूल रही हैं, ये देखिए। और आपको इसको ना फ्लिप करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही फ्लिप ले लेता है, एक साइड से फूल के पूरी दूसरे साइड से फ्लिप ले लेती है। फिर मैंने 3-3, 4-4 पूरी एक साथ डाल के फटाफट फ्राई कर ली।
पानी पूरी, दही पूरी, चाट पापड़ी, भल्ला पापड़ी, ये तो सभी की फेवरेट होती ही है और खाने में अच्छी भी लगती है। पर जो हमारा नॉर्थ साइड का जो फ्लेवर है ना इन सब चीज़ों में, वो आप साउथ में जाके नहीं ले सकते। साउथ में, मैं पुणे में जब हम रहते थे तो वहाँ पे मिलता तो सब कुछ है, बट वो है कि जो मतलब मसालों का जो डालते हैं कॉम्बिनेशन बना के, जब मिक्सचर बना के जो उससे टेस्ट आता है, ऐसा टेस्ट आपको वहाँ नहीं मिलेगा। बहुत ही रेयरली कोई एक आधी शॉप होगी जहाँ पे आपको मिलेगा। तो वहाँ पे हम ये सब चीज़ें मिस करते थे, तो मैं मोस्टली वहाँ पे भी मैं घर पे ही बनाती थी, गोलगप्पे वगैरह जो भी है मैं उनको घर पे ही ट्राई करती थी। और ऐसा होता है ना, किसी किसी जगह का जो टेस्ट है ना वो आपके जहन में बैठ जाता है। मेरा फेवरेट है चंडीगढ़ गोपाल स्वीट्स का दही पूरी। वहाँ की दही पूरी बहुत ही अच्छी होती है, और राज कचौरी वगैरह और भी बहुत सारी आइटम्स हैं उनकी, बट मैंने वहाँ पे ना दही पूरी जो खाई है ना उसका टेस्ट आज तक कोई भी बीट नहीं कर पाया। इतनी अच्छी होती है ना वो। अभी तो मुझे बहुत टाइम हो गया है खाए हुए, अब नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगी तो ज़रूर वहाँ पे ट्राई करके आऊंगी। तो ये भी बहुत अच्छी बनी है, इधर पास हो रही है कि बहुत अच्छी है। पानी थोड़ा खट्टा था क्योंकि मैंने पूरा ही वो ऐड कर दिया था, तो हमें नॉर्मल लगा क्योंकि हमने काफ़ी टाइम बाद ट्राई की तो हमें अच्छा लगा खाने में। डिनर में आज मैं पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने पैन में सरसों का तेल ले लिया है, इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। आप एक बार ऐसे ट्राई करें पनीर की सब्ज़ी तो आप इसको बार बार बनाओगे, सच में ये बहुत ही यमी बनती है खाने में। तो ये देखिए, तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। तो जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। तो अभी देखिए, मैंने यहाँ पे कोई भी जो है मसाला है उसको पीसा नहीं है, मैंने प्याज लहसुन का पेस्ट नहीं बनाया है कुछ भी, मैं उसको ऐसे ही डाल रही हूँ। तो मैंने 8-10 लहसुन की कलियाँ ली हैं और प्याज लिया है। प्याज को भी आप रफली काट सकते हो क्योंकि बाद में हमने इसको ग्राइंड तो करना ही है। तो आपने इसको तेल में ऐसे ही साबुत डाल देना है लहसुन को भी, और इसको अच्छे से थोड़ा भून लेना है। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा बस ट्रांसलूसेंट कलर आ जाए उतना ही आपने इसको पकाना है। प्याज अच्छे से पक गया है तो अभी हम इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे चला लेंगे ताकि जो नमक है वो अच्छे से सारे प्याज में रच जाए। तो उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने देगी लाल मिर्च ऐड की है जो कि सिर्फ इसको एक कलर देगी। अगर आप तीखी लाल मिर्च खाते हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। मैंने तीखी लाल मिर्च की जगह 2 हरी मिर्च, 1 बड़ा टमाटर और थोड़ा सा अदरक है जो उसको काट के रखा था, और उसको मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप 8-10 काजू भी ऐड कर सकते हो अगर आपने ग्रेवी ज़्यादा थिक बनानी है, बिल्कुल शाही पनीर जैसी। या फिर आप 8-10 काजू है जो उनको सोक करके रख दें और बाद में जब आप इसको ग्राइंड करने लगे तब वो डाल दें। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तब आप काजू वगैरह मत ऐड करें, ना इसमें कोई क्रीम ऐड करें,
जो काजू होते हैं वो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो बढ़ा देते हैं। तो मैंने इसको बिना काजू और क्रीम के बनाया है और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है और गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसको एक मिक्स देंगे और उसके बाद फिर हम इस मिक्सचर को इसी में ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जो भी सेक होगा उससे जो टमाटर है आपका पक जाएगा, उससे उसमें कच्चापन नहीं रहेगा। तो उसके बाद फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको पीस लेंगे और फिर हम इसको इसी पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसमें कुछ भी ऑयल नहीं डालना है, कुछ भी नहीं डालना। जैसे आपका वो मिक्सचर बना है ना पीस के, ये ग्रेवी बन गई है ना हमारी पीस के, तो हमने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, जो मसाला लगा हुआ था ना उस मिक्सचर में, तो मैंने उसको निकाल लिया है पानी के साथ और इसी में ऐड कर दिया है। एक्स्ट्रा पानी इसमें आपने कुछ नहीं ऐड करना है, बस आपने अब इसको अच्छे से पकाना है। अभी इसमें आप कोई मसाला नहीं डालोगे, कोई ऑयल नहीं डालोगे, बस आपने नमक को बैलेंस करना है। वो भी हम बाद में बैलेंस करेंगे जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा और ग्रेवी हमारी पूरी रेडी हो जाएगी, तब हम इसमें थोड़ा नमक है जो उसको बैलेंस कर लेंगे एज़ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए अभी मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। मैंने ऑयल भी कम ही डाला था, उसकी वजह से यहाँ पे आपको ना इसके ग्रेवी के ऊपर ज़्यादा ऑयल नहीं निकला हुआ दिखेगा। अगर आप ज़्यादा ऑयल डालते हो तो फिर मसाला जो है ऑयल को छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ये देखिए अभी मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया है। दूध इसमें बस आपने दूध ही ऐड करना है, इसमें मैंने कोई क्रीम नहीं यूज़ की है। अगर हाँ आपने हैवी बनानी हो तो आप इसमें मलाई यूज़ कर सकते हो, घर की जो मलाई है वो आप ऐड कर सकते हो। पर मलाई भी क्या है ना, जब वो गर्म आती है ना मसाले के कॉन्टैक्ट में, तो वो भी थोड़ा घी छोड़ देती है, तो उससे भी आपकी जो ग्रेवी है ना वो ज़्यादा थिक हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया है। दूध आपने उतना ही ऐड करना है जितना आप चाहते हो कि उसमें ग्रेवी रहे, कि थोड़ा लिक्विड ही चाहिए आपको या थोड़ी लपेटवी ग्रेवी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप दूध ऐड कर सकते हो। मैंने थोड़ा सा ही दूध ऐड किया है। अब इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। अभी ग्रेवी अच्छे से पक गई है तो अभी टाइम है पनीर ऐड करने का। अभी मैंने इसमें पनीर के जो क्यूब्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। पनीर को ऐड करने के बाद आपने एक दो मिनट इसको अच्छे से पकाना है, उसके बाद आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर आप ज़्यादा देर पनीर को पकाते हो फ्लेम के ऊपर तो उसके बाद फिर वो हार्ड हो जाता है और खाने में अच्छा नहीं लगता। तो अगर आप एक दो सेकंड इसको हिलाने के बाद फिर आप बंद कर दो फ्लेम को, तो पनीर सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी बनती है ये, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहेंगी। जब आपने इसको सर्व करना हो तब आप इसके ऊपर हरा धनिया चॉप करके डाल दें और उससे क्या है, इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो और भी उठ के आएगा। तो अभी मेरे पास हरा धनिया तो नहीं था, तो ये देखिए ये मेरी डिनर की थाली तैयार है। तो मैंने साथ में बूंदी रायता बनाया है, तो हम अभी डिनर करेंगे। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।